सेंट्रल लेवल लिखा था जो आपने खुद से कैलकुलेट कर जो एंट्री वो उठा के लेकर आता विद हेल्प ऑफ डीएचसीपी, ठीक है, वो एंट्री ऐसे बन क्लियर सर। अभी देखें इसको मैंने 2.20.2 ये एंट्री मैंने नहीं इसके अंदर लिखी थी, मैंने सिर्फ मेंबर सर और बनाया था तो एंट्री इसने उठाई थी, ठीक है, ये यानी डीडीएनएस की फीचर की वजह से। हाँ कोई फॉरवर्ड गाउन या रिवर्स गाउन ही बनाया और मैं कोई मशीन डोमेन ज्वाइन कर रहा हूँ तो अगर डोमेन ये मैंने गाउन नहीं बनाया तो डोमेन ज्वाइन हो जाएगी? अच्छा मुझे वो करना पड़ेगा इसको नॉन कंफिगर करना पड़ेगा, नॉन कंफिगर और भी नहीं ताकि वो करेंगे। अच्छा जब तक नॉन नहीं कंफिगर करेंगे तब तक अगर वो मेरी बात सुने वो भी सकते हैं, वो अगर कर भी दे ना तो वो एंट्री वगैरह ऑथेंटिकेशन उस तरह नहीं देगा वो सर। हम जब डोमेन ज्वाइन करते हैं तो उसके आईपी सेंटर में डीएनएस की एंट्री डालते हैं, उधर जाते हैं जैसे एड्रेस ब्लॉक करते हैं उसके बगैर डोमेन ज्वाइन नहीं। अभी वो ऑप्शन जो लास्ट में एक चीज बताई थी कासिम वाला है, कासिम ने क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था कि अगर वर्ल्ड ग्रुप में सिस्टम आपका हो, ठीक है, तो वो डीएनएस की ऑथेंटिकेशन अगर उसे देनी हो तो कैसे दी जाती है, उस ऑप्शन को नोट करना तो कर, ठीक है, वो ऑप्शन कहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को पता भी होगा, बताता हूँ। आप एक मशीन है जिस तरह हम यहाँ पे चेंज सेटिंग में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप चेंज में जाते हैं, ठीक है, मैं ओके करता हूँ इसको, ठीक है, नेक्स्ट क्या पे यहाँ पे मैं इसको डोमेन ज्वाइन करवा देता हूँ, सिंपल कॉन्सेप्ट हम यही कर रहे हैं, ठीक है। अक्सर ऐसे सिनेरियोस होते हैं कि जहाँ पे आपसे कहा जाता है भाई इस मशीन को डोमेन नहीं ज्वाइन करा, लेकिन इसको रजिस्टर डीएनएस की एंट्री दे दो, इसको रखना अपने वर्ल्ड ग्रुप शेड में, उसके लिए हमें इस पर नहीं जाना, आपने मोर पर चले जाना, तो यहाँ पे जाके आपने अपना डोमेन नेम डॉट कॉम दे दिया, दिस इज आवर रजिस्टर्ड डोमेन। अच्छा हमारा पीसी वर्क ग्रुप पे ही रहेगा लेकिन डीएनएस पे एंट्री भी क्लियर हो जाएगी। हाँ ठीक है समझ आई चीज़ से, ये एंट्री आप यहाँ पे करते हैं, एक और इसको ऑप्शन नोट कर लें, ठीक है ना, एक ऑप्शन यहाँ भी होती है, ठीक है ना, यही सेटिंग अगर आप अपने नेटवर्क और डॉक्टर में भी करना चाहते हैं ये जी देख रहे हैं, यहाँ पे अपनी डोमेन नेम का एंटर करते हैं, ये ऑप्शन तब हम यूज करते हैं जब हमारे सिनेरियोस में एक्सेप्टेड डोमेन्स का कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? एक्सेप्टेड डोमेन्स। एक्सेप्टेड डोमेन्स वाला वो कॉन्सेप्ट होता है कि एक डोमेन कंट्रोलर में मल्टीपल डोमेन्स को यूज किया जाता है, ठीक है, एक मेरा डोमेन कंट्रोलर है forward.com का, वो तो मेरा मेन डोमेन है, उसके अंदर मैंने सब डोमेन्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, फिर अब ये इसको बोलते हैं सेपरेट डोमेन्स। एक ही सर्वर के ऊपर मल्टीपल मतलब एक आपके जो ये होते हैं ना ये सर्विस प्रोवाइडर वाले वो ज्यादातर यही काम करते हैं, अब वो ये तो नहीं करते कि अगर उनके पास कोई 100 क्लाइंट्स हैं तो 100 क्लाइंट्स का 100